हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी अपनी गेम में कैसे ओवरब्रिज को ऐड कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हो मैंने रेसिंग ट्रैक को भी ऐड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इन सभी चीजों को अपनी गेम में ऐड कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के न्यू अपडेट में क्या क्या नई नई चीजें आने वाली हैं, और इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का अपडेट कब आने वाला है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपनी गेम में रेसिंग ट्रैक और ओवरब्रिज को कैसे ऐड करोगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के नेक्स्ट अपडेट में क्या क्या नई नई चीजें ऐड होने वाली है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को ओपन करना है, उसके बाद मोड स्लॉट को चेंज करना है, फिर आपको गेम को स्टार्ट कर देना है। गेम स्टार्ट हो जाने के बाद आप लोगों को इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाना है और इस लिंक को यहां पर पेस्ट कर देना है। ये लिंक आप लोगों को मैं व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोग वहां से इसे कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कुछ ही देर में आपकी फाइल यहां पर लोड हो जाएगी। अगर आपकी गेम में यहां पर एरर शो हो रहा है तो आप लोग अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट ऑफ रहेगा तो आपकी फाइल लोड नहीं होगी। यहाँ पर जैसे ही फाइल लोडेड लिख कर आए, उसके बाद आप लोगों को गेम को बैक कर लेना है, फिर दोबारा से आपको गेम को स्टार्ट कर लेना है। फिर आप जैसे ही दोबारा गेम को स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप लोगों की गेम में ओवरब्रिज और रेसिंग ट्रैक ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जल्दी से मैं ओवरब्रिज वाली लोकेशन पर चलता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ओवरब्रिज वाली लोकेशन के पास, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ओवरब्रिज ऐड हो चुका है। तो चलिए अब मैं फटाफट से आप लोगों को रेसिंग ट्रैक को दिखा देता हूँ। पहले मैं गेम को बैक कर लेता हूँ, उसके बाद चैलेंज वाले ऑप्शन में आके मेगा रैंप वाले मोड को स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर आप लोग देख सकते हो हमारे सामने रेसिंग ट्रैक ऐड हो चुका है। अगर आप लोग इसमें से किसी भी चीज को रिमूव करना चाहते हो तो आप लोगों को बस अपनी पिस्टल से फायर करना है और वो चीज रिमूव हो जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी गेम में रेसिंग ट्रैक और ओवरब्रिज ऐड हुआ कि नहीं। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का अपडेट कब आने वाला है, और उस अपडेट के अंदर हमें क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का अपडेट कब आने वाला है। हमारी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का अपडेट अभी एक हफ्ते में आने वाला है, और उस अपडेट में हमारी गेम में ट्रैक्टर को ऐड कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में ट्रैक्टर को ऐड किया जाएगा, प्लग इन ऐप में नहीं किया जाएगा। लायन को अभी प्लग इन ऐप में ऐड नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि लाइन को प्लग इन ऐप में ऐड कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतने ही अपडेट्स थे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।